सर क्वेश्चन नंबर 145 जीती नाम गयाल क्वेश्चन नंबर 145 सर माननीय सदस्य सर मैं सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पिछले 3 साल के मैंने जो डेटा मांगा था लद्दाख में विशेष रूप से कैंसर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे काम हुआ था पहले वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ में हमें इतना सुविधा नहीं मिलते थे अब मैं वो सारा दोहराते नहीं रहूँगा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सर लद्दाख में बहुत सारे पेशेंट खासकर कैंसर से रिलेटेड मरीज जो है या दिल्ली में आना पड़ता है या श्रीनगर जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत सारे जो कॉस्टली मेडिसिन खासकर केमोथेरेपी से रिलेटेड हो या नार्कोटिक पेन मेडिसिन हो या मॉर्फिन हो ऐसे जो पेशेंट्स को खरीदना पड़ता है जो एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं बाकी स्टेट्स में जो है एक एनजीओस उनको मदद करते हैं और लद्दाख में अभी ऐसा एनजीओ भी नहीं है दिल्ली में हमारा एक अशोका मिशन के एनजीओ अच्छा काम करता है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा पैलेटिव केयर फैसिलिटीज़ जब तक एनजीओ खड़ा ना हो पैलेटिव केयर केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग सौगत राय जी दादा आप इधर चर्चा कर रहे हैं फिर उधर चर्चा कर रहे हैं सर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा लद्दाख में लद्दाख के पेशेंट्स को या असिस्ट करने के लिए पैलेटिव केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग होम केयर सर्विस के जो हमें आवश्यकता है और दूसरा जो है मैं जानना चाहूँगा अभी लद्दाख से पेशेंट भेजे कैंसर का पेशेंट कहाँ भेजे वो भी समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे भेज रहे तो पेशेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ढूंढ के जा रहे हैं एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल 1-2-3 को नॉमिनेट कर सकते हैं क्या जो ऐसे गंभीर पेशेंटों को तुरंत वहाँ से भेजने के बाद यहाँ एडमिट मिल सके क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना एक प्रायोरिटी होता है ऑब्वियसली होना भी चाहिए तो उसमें हमारे पेशेंट्स जो है 6-6 महीना दिल्ली आके इंतज़ार करना पड़ता है ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि लद्दाख क्षेत्र में कैंसर के लिए इलाज की फैसिलिटी हो और कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा है बात सही है कैंसर एक ऐसी बीमारी है उसकी मेडिसिन उसकी ट्रीटमेंट भी महंगी होती है और एक मरीज को कैसे सस्ती मिले इसके लिए भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि देश में 8,500 से अधिक जनऔषधि स्टोर है जनऔषधि स्टोर पर हर कैंसर की सस्ती से सस्ती मेडिसिन मिले इसके लिए व्यवस्था की गई है और उसके अलावा हमने कैंसर की मेडिसिन का प्राइस बहुत हाई होता था और ये कम करने के लिए हमने ये तय किया है कि ट्रेड मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर के बीच में कई बार फर्स्ट सेल होता है वो 100 रुपये में होता है लेकिन रिटेल में वो 500 रुपये में मिलती है तो हमने उसके लिए ट्रेड मार्जिन भी फिक्स कर दिया है जैसे कि मरीज को सस्ती दवा मिले दूसरा माननीय सदस्य ने पूछा है कि लद्दाख के जो पेशेंट है उसको निश्चित 3-4 हॉस्पिटल निश्चित कर दे माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि जरूर नहीं है कि कोई ही निश्चित हॉस्पिटल में जाए तो ही उसको इलाज मिले राज्य की जम्मू कश्मीर की लद्दाख की दिल्ली की कोई भी टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट में जाए वहाँ उसको अच्छी तरह से इलाज मिले ऐसा प्रबंध सारे देश में करके रखा सर बहुत बहुत धन्यवाद पेन मैनेजमेंट और ख़ासकर जो मैन पावर ट्रेनिंग के जो आवश्यकता है लद्दाख में क्योंकि सर कीमोथेरेपी के लिए जो ऑब्वियसली प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है ऑन्कोलॉजिस्ट का कीमोथेरेपी लद्दाख में करते हैं लेकिन लद्दाख में ऑन्कोलॉजिस्ट ना होने के कारण से कीमोथेरेपी के लिए बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनका सर्जन भी हमारे पास नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा आपने अभी बहुत विस्तार से बताया लिखित में भी आपने जवाब में दिया है सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स बना है पेशेंट्स को मदद करने के लिए असिस्ट करने के लिए लेकिन जनमानस तक ये जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और आपने बताया कि कहीं भी जाके इलाज कर सकते हैं ये सही बात है लेकिन यहाँ अपने प्रायोरिटी ओपीडी में ऑलरेडी लिस्ट एक फिक्स होता है तो मैंने रिपीटेडली फिर मैं बताऊंगा हमारे पेशेंट्स यहाँ आने के बाद 6-6 महीना इंतज़ार करना पड़ता है पूरा पैसा उसमें खर्चा भी हो जाता है तो इन तकलीफ़ों को हटाने के लिए लोगों को सहूलियत के लिए माननीय मंत्रालय के द्वारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश देके इसमें क्या क्या आगे आने वाले दिनों में कदम उठाएंगे मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने स्टेट में भी वो कैंसर एक्सपर्ट रखे, उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हम उसको आर्थिक सहयोग करते हैं और रख भी सकते हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि मरीज, कैंसर के मरीज दिल्ली आते हैं तो 4-6 महीने तक उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, समय चला गया। माननीय सदस्य, कोई भी ऐसा कैंसर पीड़ित मरीज हो और उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट ना मिले, अवश्य मुझे बताइए, मैं व्यवस्था कराऊंगा।